नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और खास खबर की शुरुआत हम लॉकडाउन की अवधि विस्तार को लेकर करेंगे। अब इसका नाम अनलॉक वन दिया गया है। अनलॉक वन में कुछ रियायतें दी गई है, खास करके दुकान खुलने की अवधि को 2 बजे तक बढ़ा दी गई है। साथ ही अल्टरनेट डे, जिस दिन कपड़ा का दुकान खुलेगा तो दूसरे दिन दूसरे ट्रेड का दुकान खुलेगा, ये सिस्टम किया गया है। और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर हर दुकानदार को यह अनिवार्य किया गया है कि आप अपने दुकान पर रखें और एक भी बिना मास्क आए हुए लोगों को की एंट्री ना दें। दुकान में स्टाफ हो चाहे दुकानदार हो, वो मास्क पहने और उसमें कहीं से भी कोई कोताही ना बरते। 8 जून तक ये लॉकडाउन रहेगा और क्या निर्णय लिए गए जरा आप भी देखिए टीवी स्क्रीन पर क्या निर्णय है। और उसके बाद हम अपने संवाददाता गौतम से हम बात करेंगे, क्या क्या खास छूट दी गई हैं, दुकानों के जो नियमों में जो बदलाव किया गया है, क्या खास है बदलाव, इन सब चीज़ों पर हम बात करने के लिए चलेंगे सीधे गौतम के पास। और गौतम से समझना चाहेंगे कि जो अल्टरनेट डे जो घोषणा की गई है कि शहरी और इस बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों इलाकों में दुकान खुलने की अवधि मतलब समय सीमा एक कर दी गई है। सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन उपस्थिति मात्र 25% रहेगा, लेकिन प्राइवेट जो भी दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे पूरी तौर पर। एसेंशियल प्राइवेट जैसे मीडिया, दवा कंपनी, इन सब कंपनियों को अगर छोड़ दें तो बाकी कंपनियां अभी फिलहाल वो हमारे साथ मतलब वो सारी कंपनियां बंद रहेंगी। हम चाहेंगे कि गौतम से इस पर हम बात करें। गौतम, क्या खास है इस अनलॉक वन में और लॉकडाउन के बीच, जो अभी अनलॉक वन 2 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें क्या खास बदलाव किया गया है? चलिए गौतम से का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक डीएम पटना डीएम ने क्या कहा जरा आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम गौतम से बात करेंगे कि क्या खास बदलाव किया गया है। 8 जून तक ये लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बिहार के तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग अपने सावधानी के अनुसार और जो सुरक्षा को देखते हुए इस अवधि को बढ़ा इस अवधि में जो है जो सख्ती है और लागू कर सकते हैं। और जो दुकानों को अल्टरनेट खोलने की जो जिम्मेवारी है जिलाधिकारियों को दी गई। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ रहेगी सर पटना में, कैसे दुकानों को खोलने? एक तो ये कि लॉकडाउन में जो थोड़ा सा ढील दी करने की, लोग दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का प्रावधान कर रहे हैं और 6 बजे से 2 बजे तक समय को बढ़ाया गया है। पहले 6 बजे से 10 बजे तक था, तो 6 से 2 बजे तक ये खुलेंगी दुकानें। और सब्जी मंडी वगैरह जो है वैसे ही अभी स्टैगर्ड रहेंगी, पुराने स्थल पर हम लोग अभी नहीं अलाउ करेंगे, नए स्थलों पर ही। थोक जो विक्रेता हैं वो अलग और जो खुदरा विक्रेता हैं वो लोग अलग रहेंगे। और बाकी निजी वाहनों का परिचालन अभी भी प्रतिबंधित रहेगा और बहुत जरूरी है तभी वो आवागमन ई पास लेकर के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और ऑफिस में भी अभी 25% के साथ उपस्थिति के साथ ही ऑफिस खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है जो पहले से ही था। तो बहुत ज़्यादा ढील नहीं दी गई है, बस व्यापार व्यवसाय को देखते हुए थोड़ी सी ढील दी गई है। तो हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह से कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अल्टरनेट डे की जो बात किया जा रहा है, सभी दुकान क्या एक दिन खुलेंगे, अगले दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी या कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ग्रुपिंग करेंगे दुकानों की, एक कुछ प्रकार की दुकानें एक दिन खुलेंगी, कुछ प्रकार की दूसरे दिन खुलेंगी, ताकि एक ही दिन भीड़ नहीं आए, इस प्रकार की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और आज ही आदेश निर्गत करेंगे। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए उन आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा और कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कोरोना का खतरा बढ़े। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो भी पटना में आदेश जारी किए गए उन आदेशों का पालन कराया जाएगा।
जरा गौतम से समझने की कोशिश करेंगे। गौतम, क्या खास बदलाव हुआ है लॉकडाउन से अनलॉक वन के बीच? और देखिए, ये इसकी शुरुआत है और जो की तरफ से ट्रेकिंग हुई थी उन्होंने साफ कर दिया था कि धीरे धीरे ही जो है इसकी शुरुआत की जाएगी, अनलॉक करने के लिए एक छूट देना वो सही नहीं होगा कि स्थिति जो है वो बदलनी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई, कोरोना अभी भी है और खतरे उसको देखते हुए इस तरह के बदलाव किए गए। सुबह 6 बजे से लेकर जो 10 बजे तक दुकानों को खोलने का जो समय था आप जो है उसे बढ़ाकर जो है 2 बजे तक कर दिया गया, दिन में 2 बजे तक है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जो है ये समय एक समान रहेगा, दो बजे तक दुकानें खुलेगी। अल्टरनेट डे जो है दुकानों को खोलने का जो निर्देश दिया गया है इसका जो है चुनाव जो है पटना माफ कीजिएगा राज्य के तमाम जिलों के जिलाधिकारी करेंगे और उनको ये निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि जो 8 जून तक की गई है उस अवधि के दौरान अगर कहीं भी सख्ती की जरूरत है लॉकडाउन को और सख्ती से पालन कराने की तो धन्यवाद। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए थे और हम दूसरी खबर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि बेउड़ी इलाके में जो निर्माण का काम चल रहा है, सड़क खुदाई के काम चल रहा है, उसमें 2 मजदूर की मौत हो गई है। अभी तक मौत की वजह नहीं बताई जा रही है लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जहरीली गैस का प्रभाव हो सकता है, जिस वजह से क्योंकि एक मरीज के बेहोश होने के बाद दूसरा मरीज उसे बचाने के लिए गया और उसी दौरान दोनों मजदूर की मौत हो गई है। तो इस बारे में हम सीधा मरगूब आलम से संपर्क करते हैं। मरगूब आलम, किस परिस्थिति में क्या मौत की वजह क्या है, कुछ स्पष्ट हो पाई है? संतोष जी, बेउर जिले के ठीक थोड़ा सा पहले मेन रोड पर वहाँ सड़क खुदाई का काम चल रहा था एलएनडी कंपनी के द्वारा, वहाँ एलएनडी कंपनी की इंजीनियर के साथ सुपरवाइजर सभी लोग थे। घटनास्थल पर जब कशिश की टीम पहुंची तो वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था लेकिन स्थानीय लोग जमा थे और हमने उनसे बात, उनका कहना है एक मजदूर नीचे गया था और नीचे जब वो खुदाई करने लगा, क्योंकि दोनों मजदूर खुदाई कर रहे थे, नीचे गया तो एकाएक वो वहां गिरा, गिरने के बाद जो ऊपर में मजदूर खुदाई कर रहा था उसने उससे पूछा आवाज लगा क्या हुआ, लेकिन जब वो आवाज नहीं लिया तो वो भी व्यक्ति नीचे गया, जैसे ही वो नीचे गया तो वो भी वहां बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद तो वहां के इंजीनियर और सुपरवाइजर थे तब तक वो कुछ समझ पाते, उसके बाद हल्ला होने लगा, उसके बाद स्थानीय लोग झुके और स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर के बाद जो हमारी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, वहां एक दुकानदार है सत्तू वाला, उसने हमें बताया कि अगर समय पर उसे अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जिंदगी बच जाती। दोनों मिलकर समझ नहीं पा रहे थे, दोनों आवाज लगातार दे रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन लगभग 15-20 मिनट तब तक निकल गया था और अंदर में लगता है कि कोई जहरीला गैस खुदाई के दौरान वो लीक कर पाया और दोनों वहीं बेहोश होकर के वहीं गिर गए। फिलहाल स्थानीय लोग जब हल्ला करने लगे तब किसी तरीके से दोनों को वहां एक गाड़ी पर कर सकते हैं तब उसे एम्स ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों बंगाल के रहने वाले हैं, दोनों के बंगाल परिजन को सूचना दे दी गई है। बेउर थाने में एक मामला दर्ज होने जा रहा है, अब उसकी जांच पुलिस करेगी। एलएनटी विभाग के जो कर्मचारी और जो सुपरवाइजर है फिलहाल दोनों अभी पोस्टमार्टम के लिए पीएम के एरिया के लेके, लेकिन अब आगे किस तरीके से कार्रवाई क्या होगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया लापरवाही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं लापरवाही से ये मौत हुई है दो मजदूर का और दोनों मजदूर बंगाल के रहने वाले। देखिए, बिहार में कोरोना के टीका को लेकर टोटका जारी है, गांव से भी खबरें आ रही हैं कि लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, टीका नहीं ले रहे हैं। एक अलग तरह की अफवाहें गाँव में फैल गई है कि टीका लेने से लोगों की मौत हो जाती है। ये अफवाह इस कदर फैला है कि ग्रामीण इलाके में मुख्यमंत्री के पहल के बावजूद भी जो आप रथ जा रहे हैं गांव में, कोई उस रथ का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। पूरे दिन वो गांव में घूमते हैं लेकिन एक भी व्यक्ति सुई लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम सीतामढ़ी के सीक्वेंस में हम खबर आपको दिखाएंगे कि राज्य सरकार ने जो वैक्सीन का जो गाड़ी रवाना किया है वो सीतामढ़ी के डीएम ने भी वो गांव की ओर रवाना किया है। सीतामढ़ी के डीएम में तमाम वैक्सीनेशन की सुविधा के साथ ये सीतामढ़ी के डीएम ने रवाना की है गाड़ी को, लेकिन रिस्पांस बेहतर नहीं मिल रहा है, लोग नहीं ले रहे हैं और ये आज वो रवाना किए हैं और इस मौके पर वो क्या कह रही हैं जरा आप भी सुनिए, फिर इसका क्या इम्पैक्ट बिहार के अलग जिलों में देखने को मिल रही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सीतामढ़ी के डीएम इस पर क्या कर रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए।
आज सीतामढ़ी जिले में टीका एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी टीकाकरण हो जाए बाढ़ आने के पूर्व। इसी के लिए मोबाइल वैन के तौर पर सब टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया है, जो प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे और टीकाकरण का कार्य करेंगे। सभी लोगों से अपील है कि आप सभी आगे आए और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में ये सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के पास हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल कर। अब हम सीतामढ़ी संवाददाता से हम समझना चाहते हैं कि कितने बहन सीतामढ़ी से रवाना किया गया। हम बेगूसराय की खबर देखते हैं कि बेगूसराय में क्या किस तरीके से टीकाकरण अभियान के एक्सप्रेस रथ में को गांव गांव पहुंचाने की कोशिश जरूर हुई है प्रखंड स्तर पे, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर आज बेगूसराय के डीएम ने बेगूसराय जिले के तमाम डॉक्टर्स के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि आप लोगों को उत्साहित कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो वैक्सीन ले, क्योंकि वैक्सीन लेना कोरोना के लिए कितनी ज़रूरी है ये आप गांव-गांव तक फैलाइए। और जो खबरें आ रही हैं तो उस खबर के अनुसार तमाम डॉक्टरों को कहा गया है कि आप एक टीम के बनाकर विभिन्न जो माध्यम है उन माध्यम के सहारे गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाइए कि सुई लिए बगैर कोरोना की लड़ाई या जंग हम जीत नहीं सकते। इस मौके पर डीएम क्या कर रहे हैं जरा आप भी सुनिए। कि इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है या कोई एक फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चली थी, किसी नोबेल लॉरेट के नाम से उसको चला दिया गया था फेक न्यूज़ को कि दो साल में जितने लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं 2 साल में डेथ हो जाएगी। हालांकि इसको बाद में सम एजेंसीज ने उसको काउंटर भी किया कि फेक न्यूज़ है। तो इसी कारण से कुछ लोगों में फेक सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ के कारण, अफवाहों के कारण लोगों में रिफ्यूज़ल के बातें मामला प्रकाश में आया था। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सबको फील्ड में भेज के उसको बता भी रहे हैं कि कुछ फेक न्यूज के कारण। देखिए, फेक ही न्यूज नहीं है वजह यह भी है कि सत्ता और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर इस तरीके के माहौल बना रहे हैं जिसका भी प्रभाव पड़ रहा है। अब आईएमए और रामदेव के बीच का जो संघर्ष है वो संघर्ष भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक स्पिरिट के खिलाफ, साइंटिफिक स्पिरिट के खिलाफ है, इसका भी असर पड़ रहा है। अब अगर कोई मंत्री गौमूत्र की बात करें या गाय के गोबर लगाने की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर गांव के जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके दिमाग में पहले ही इस तरह के चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे में अगर सरकार के स्तर पर कोई बड़े मंत्री या बड़े लोग अगर इस तरह से बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण इलाकों में उसका व्यापक असर पड़ता है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बेगूसराय डीएम को ये पहल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई में टीकाकरण कार्यक्रम बेगूसराय जिले में उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से प्रशासन चाह रही है, सरकार चाह रही है? कि निश्चित रूप से जो टीकाकरण अभियान जिला प्रशासन के द्वारा शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में शुरू की गई थी, पिछले 5 दिनों से 18 प्रखंड में 24 वैक्सीनेशन वाहन घूम रही है, जो गांव गांव जाकर लोग 45+ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य करना था। लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अधिकतर गाँव में जब लोग वैक्सीन लेने के लिए कहने जाते हैं तो लोग तैयार नहीं होते हैं, कई जगह विवाद भी हो गया और लोगों का सीधा आरोप है कि आप लिखित में दीजिए कि वैक्सीनेशन के बाद हमें कुछ नहीं होगा। अलग अलग तरह की चर्चाएं ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, सोशल मीडिया पर जो अफवाह उड़ाई गई इसको लेकर के डीएम को पहल करना पड़ा कि 24 वाहन लगातार गाँव में घूम रही है, लेकिन जिस गाँव में 100-200 का टारगेट रखा जाता है वहाँ 10-15-20 की संख्या में लोग टीकाकरण कर रहे हैं। लोगों को जब समझाने अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है तो लोग तैयार नहीं होते हैं, इसी को लेकर के डीएम को पहल करना पड़ा और आज जिले के जो नामचीन चिकित्सक हैं उनके साथ एक प्रेस वार्ता किया गया, लोगों से अपील की गई जो वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा और लोग टीकाकरण करें। तो ये निश्चित रूप से डीएम को पहल करना पड़ा, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जहाँ 100 टीकाकरण करना है वहाँ 10 लोग भी टीकाकरण के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर बक्सर से भी है, जहां बक्सर में टीकाकरण की टीम जब गांव में पहुंची तो गांव वाले ने टीम को खदेड़ दिया और स्थिति यह हो गई कि टीम के लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा।
ये इस अफवाह का ही असर नहीं है, अफवाह का तो असर है ही, लेकिन जो जिस तरीके से टीकाकरण के अभियान को लेकर अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है कि 48 दिन के 45 दिनों के बाद ले, अब ले लीजिए, अब 84 दिन बाद लीजिए, तो इसको लेकर भी एक माहौल बनता जा रहा है ग्रामीण स्तर पे कि टीकाकरण को लेकर कुछ न कुछ टोटका है, इसकी वजह से सरकार कभी कुछ नियम बना रही है, कभी कुछ नियम बना रही है, इस ये भी एक समस्या की वजह है। हमारे साथ बबलू जी जुड़ गए हैं बक्सर से। बबलू जी, समस्या क्या है, किस परिस्थिति में गांव-गांव मुख्यमंत्री का अभियान हुआ कि कोरोना की टीका के लिए हम एक्सप्रेस गाड़ी भेजें और वहां पर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल के दौरान अभी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आप पंचायतों की तरफ रथ रवाना करके, ये टीम स्वास्थ्य विभाग की रवाना करके जांच और टीकाकरण वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। पिछले अगर 48 घंटों में हम लोग बात करें तो प्रतिदिन बक्सर जिले के विभिन्न प्रखंड इलाकों में, पंचायतों तक, गांवों तक अब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और वहां जांच किया जा रहा है। इस बीच में एक मामला सामने आया है बक्सर सदर प्रखंड के बरुआ पंचायत में, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आज अपने रथ लेकर के वहां पहुंची थी, लोगों का जांच करना है और वैक्सीनेशन करना है 45+ लोगों का, जिसको सुनते ही या देखते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरे गांव के लोग उग्र हो गए, महिला से लेकर बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग गो बैक करते हुए उनको डांटते हुए वहां से भागने पर मजबूर कर दिए। लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बक्सर से बाबलू जी जुड़े हुए थे, लेकिन इस तमाम भ्रांतियों के बीच कशिश की भी अपील है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लें, आप वैक्सीन जरूर लें। ये तमाम तरह के जो अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है या जो चीज़ें सामने चल रही हैं वो पूरी तौर पर वैज्ञानिक सोच के विपरीत है, मेडिकल साइंस के विपरीत है। आप टीका लें, पोलियो अभियान के दौरान भी इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, बहुत मुश्किल हुआ था बिहार को पोलियो मुक्त कराना, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आई कि बिना ड्रॉप लिए हुए पोलियो का हम पोलियो पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से कोरोना का टीका जब तक हम नहीं लेंगे हम कोरोना पर जीत हासिल नहीं कर सकते। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे दरभंगा की उस खबर को लेकर जो खबर पिछले 24 घंटे से DMCH सहित पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बात कर रहे हैं DMCH का। जी हाँ, DMCH में पिछले 24 घंटे के दौरान या कहे 72 घंटे के दौरान एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में कोरोना के तीसरे फेज की गवाह बिहार तो नहीं बनने जा रहा है। हुआ ऐसा है कि एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हुई है, एक बच्चे का मौत एक सप्ताह पहले हुई है, 3 बच्चों का मौत DMCH के शिशु वार्ड में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। मतलब 4 पूरा परिवार, हालांकि डॉक्टर का कहना है कि वो सभी कोरोना संक्रमित नहीं थे, लक्षण की बात है तो वो निमोनिया से ग्रसित जरूर थे, कमज़ोर थे, इसीलिए उसकी मौत हो गई है। उसके माँ पिताजी भी DMCH में भर्ती हैं, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरी उस देर शाम एक अलग बच्चे की मौत हुई है, जो 2.5 महीने की वो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिसकी मौत हुई है और वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें सामने आने के बाद, लगातार मौत की खबरें के बाद जो सिचुएशन सामने बनकर उभर कर सामने आया है, जो कहा जा रहा था कि थर्ड फेज में बच्चों पर अटैक हो सकता है, क्या ये इसकी कड़ी के रूप में देखा जा सकता है कि बच्चों पर अटैक शुरू हो गया और इसकी शुरुआत बिहार से तो नहीं हो रही है? इस पर DMCH से जो खबर आई है, डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो हम सुन लेते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, गिरीश के पास, कि आखिर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद DMCH में क्या हलचल है, क्योंकि शुरुआती दौर में खबर को काफ़ी छुपाने की कोशिश हुई है, लेकिन जैसे जैसे ये खबरें मीडिया में चलनी शुरू हुई है प्रशासन हरकत में आई है। फिर भी 8 से 10 बच्चे ऐसे अभी DMCH में इलाज चल रहा है जिसमें कोरोना जैसा लक्षण दिख रहा है। चलिए पहले डॉक्टरों के, वहाँ के डॉक्टर के
कि क्या राय है, जरा पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। भर्ती के महज 24 से 48 घंटा के अंदर 3 बच्चों का मौत होता है। सबसे पहले शाम को में 1-3-24 घंटे के बाद बच्चे, जो लड़का है उसका, 7 वर्ष का लड़का जितेंद्र कुमार है, उसकी मृत्यु होती है। सेम डे 3 बजे 10 बजे रात के आसपास एक बच्ची है पूजा कुमारी, उसकी मृत्यु होती है। और अगले दिन 2 बजे के आसपास में तीसरी जो बच्ची है आरती कुमारी, उसकी मृत्यु होती है। अब समझ लीजिए यह व्यक्ति संतानहीन हो गया। बच्चों की मृत्यु होने के बाद दोबारा न अब तक इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिला, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोग बात, एक साथ तीन बच्चे हैं। और हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी लग रही थी, जैसे लग रहा था हॉस्पिटल लकवाग्रस्त है, कोई देखने वाले नहीं है, सीनियर डॉक्टर पहुँच नहीं रहे हैं। तीनों बच्चे को सेप्सिस हो गया था, सीवियर सेप्सिस, निमोनिया हुआ, उसके बाद सेप्सिस हुआ, निमोनिया ढंग से नहीं मान लीजिए ठीक हुआ तो सेप्सिस में चला गया, और तीनों को खून की कमी थी, तो और कोरोना का जांच तीनों का निगेटिव था। तो हम लोग ने अथक प्रयास किया उसको बचाने का, जो भी हमारे पास सारा संसाधन है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेशन है, सारा बाद भी हम लोगों ने। चलिए हमारे साथ ग्रीस जुड़े हुए, ग्रीस डॉक्टर के बात को बचाने की हमने पूरी कोशिश की, फिलहाल अस्पताल की क्या स्थिति है? जी देखिए, अस्पताल में जैसे ही एक बंदे की कोरोना से मौत हुई है, उसके बाद से अस्पताल प्रशासन टाटसम व्यवस्था में लग गया है। अगर इस तरह की और भी कोई घटनाएं होती है या कोई भी कोरोना पॉजिटिव बच्चा मिलता है तो उसको लेके उसका इलाज किस तरह होगा और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए क्या किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उन सब चीजों जो बहुत तैयारी की जा रही है। जो किसी प्रकार के अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बच्चा निकलता है तो उसको अलग से रख के अलग से कोरोना वार्ड बनाया जाएगा। जी वार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर भले ही प्रशासन का रवैया सख्त क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे आपके लिए जरूरी है। आज सुपौल में इसी तरीके से सब्जी वाले के खिलाफ जब कार्रवाई पर उतारू हुए पुलिस, तो उस पुलिस पर हमला कर दिया, कई लोग घायल हुए हैं। जरा देखिए कि क्या सिचुएशन, क्या किस तरीके से लोग न मास्क लगाए हुए हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, जरा इन चीज़ों को समझिए, ये आपके लिए, हमारे लिए है, पुलिस प्रशासन या प्रशासन के लोगों के लिए नहीं है। जिस तरीके से तोड़ फोड़ के देखिए, पुलिस वाहन पर हमला बोल दिया, ये ऐसा सिचुएशन स्थिति हो गई कि पूरे पुलिस फोर्स को लेकर सुपौल के पदाधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा। लॉकडाउन लगाना सरकार की के लिए ये जरूरी, आपके लिए जरूरी है। आप इन चीज़ों को समझिए कि लॉकडाउन अगर अभी प्रभावी नहीं रहेगा तो फिर कोरोना के चेन को तोड़ना मुश्किल है। जरा देखिए कि इस विवाद की वजह क्या रही है, लोगों का क्या कहना और पुलिस पदाधिकारियों का क्या कहना। बाजार बंद कराने का समय है, उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसी बंद कराने के लोग बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर हैं, उनके साथ झड़प हो गई थी, और कोई भी बात नहीं है, मारपीट की वाली घटना। अब दूसरी घटना के थोड़ा सब्र रखिए, दुकानदार को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। सोना जहानाबाद से खबर आ रही है कि सोना दुकानदार आजकल दुकान बंद रहता है तो घर पे ही दुकान चलाना शुरू कर दिए। तो भाई अगर ये खबर खरीदार को है तो चोर डकैत को भी ये खबर होगी। क्या हुआ कि जहाँ सुबह सुबह उनके घर पहुँचे और उसके बाद घर में जितना जेवरात था सारे के सारे वो लोग लूट लिए। ये स्थिति है, जरा देखिए कि कैसे ये लूट हुई है, जरा आप भी सुनिए। मतलब थोड़ा सब्र रखिए कि अगर कोरोना की वजह से प्रशासन लॉकडाउन लगाया है तो वो उसमें आपकी भलाई है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। मेरे सामने जरा तोल रहे थे ना, जैसे ही तोले वैसे वो दो लड़का आगे पहले आके इधर आके देखा सड़क पर, उसके बाद अंदर गया और दोनों निकाल दिया अपना अपना सामान, और दोनों निकाल के मतलब बोला कोई हिलेगा नहीं, चलो चलो लेकर सब कदम लगता है, एकदम लोड कर लेता अग्रेसिव टाइप का लग रहा था, लग रहा है चला देगा वो, अगर हम लोग कुछ नहीं करते ना तो चला देता, ऐसा लग रहा था। और बस उसी में चलिए अब एक चलते चलते हम आपको एक खबर दिखा दें कि पूर्णिया में किस तरीके से ब्लड की कमी हुई है और उसके लिए पत्रकारों ने पहल शुरू की है और पत्रकार रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जो कोरोना में वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को ही अभी ब्लड दे सकते हैं, तो इसमें पत्रकार आगे आए हैं और ब्लड डोनेट किया है पूर्णिया में।
जरा इस मौके पर पत्रकार संघ के जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्यों वो ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किए, जरा आप भी सुन लीजिए। या एक ऐसे महामारी के रूप में आया कि लोगों को छत विक्षत कर दिया स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि कैंप चलाया जाए ड्रेस क्लब के तौर से, इससे सभी संस्थाओं में भाग लिया, फिर सीनियर से जुड़े हुए और कोरोना के मरीजों को लेकर यह किया गया कि रक्त की कमी न हो, इसलिए सारी संस्थाओं में ड्रेस क्लब के सारे सदस्यों ने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों ने और सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के। चलिए अब इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।